4-5 दिन का जो पूरा सीन था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत। मुझे लगता है कि मिसहैंडलिंग हुई है और दोनों ही तरफ से मेरा ऐसा मानना है कि कच्चे खिलाड़ी हैं, आकाश जी भी और नगर निगम कमिश्नर भी। बहुत बड़ा विषय नहीं था, जबरदस्ती बड़ा बना दिया। और मुझे लगता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए अधिकारियों को भी, जनप्रतिनिधि से बात करना चाहिए, टेलीफोन उठाना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि हम मना कर सकें, पर उसका मुझे अभाव दिखा। और चूँकि एपिसोड ख़त्म हो गया तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए दोनों को समझाइश की आवश्यकता है। जहाँ तक ये पर्टिकुलर मकान का सवाल है, तो मैं पार्षद भी था, मेयर भी था और इस विभाग का मंत्री भी था। हम लोग बरसात में कोई भी रहवासी मकान नहीं तोड़ते हैं, वो एक निर्देश जारी करते हैं। मुझे पता नहीं निर्देश शासन की ओर से जारी हुआ कि नहीं, अगर नहीं जारी हुआ तो ये सरकार की गलती है। और यदि कोई मजबूरी में मकान तोड़ना पड़े तो उस मकान के रहवासी को वैकल्पिक रूप से धर्मशाला या कहीं पर भी रहने की व्यवस्था करते हैं। इसमें पूरा नगर निगम की ओर से मिसहैंडलिंग थी, घर में महिलाएं थी तो महिला कर्मचारी होना चाहिए, महिला पुलिस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रही है इसमें। और मैं मानता हूं कि ये अपरिपक्वता है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इससे इंदौर शहर की बदनामी हुई है।